जैसा आप ताजमहल को देख रहे हैं फ्रंट साइड से, सेम वही बैक साइड से, वही लेफ्ट हैंड साइड, वही राइट साइड, सिमेट्रिकल बिल्डिंग ही बनाया गया है। भाइयों गुड मॉर्निंग फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे। अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे में हैं और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही अच्छा सनराइज हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये नज़ारा देखो आप, क्या प्यारा सनराइज लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है, वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। फिलहाल कोई ढाबा का वेट कर रहे हैं, ढाबा नहीं छोटा कैफे, और भी मिल जाए चाय पानी के लिए। सुबह निकले थे तो कुछ ऐसे ही चाय बिस्किट हमने खा लिया था, तो अभी टाइम लगेगा कुछ, यहाँ से देखते हैं कैफे में रुकेंगे, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं हल्का सा, फिर अपना जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या जबरदस्त जबरदस्त, आई थिंक ये बाइकर्स का गैंग जो जा रहे हैं, और ये है 48 आई थिंक हार्ले का कोई एडिशन होगा, और BMW। तो फिलहाल कोई रेस्टोरेंट में रुके हैं, साइड में ही हैं, बहुत देर बाद मिला हमें। तो देखो रेट देख लो ज़रा, आलू पराठा 110, छोले भटूरे 155, थोड़ा ओवर प्राइस है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप लेके नहीं आ रहे हो अपना तो आपको खाना पड़ेगा। चलिए हमने ऑर्डर करा छोले भटूरे, तो भाई देखो हमारे छोले भटूरे इस टाइप के हैं। क्या बात है, छोले कुलचे, सॉरी छोले भटूरे। चलो भाई खाते हैं फटाफट इसको। भाई चाय का नाम है चाय ठेला और काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। चीयर्स भाई, और इसे देख लो ज़्यादा सर्दी लग रही है, टोपा टोपी पहन के बैठ गया है। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए और 50 किलोमीटर जैसे रह रहे हैं यहाँ से, सो चलते हैं। वैसे एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छा है, जर्नी का पता नहीं लगा, आराम से पहुँच गए हम। एक और टोल गेट आने वाला है और ये आई थिंक लास्ट टोल गेट है। टोटल दिल्ली से आपको आगरा के लिए 3 टोल गेट मिलेगा। तो हम पहुंच चुके हैं आगरा, और ये आगरा का बाज़ार देखो, ताज नगरी आगरा में आपका स्वागत है। यहीं आगरा किला और फोर्ट सब आ गई है, कंजेस्टेड सिटी है, और ये आई थिंक यमुना नदी हम आने वाले। गाड़ी अलाउड है इस पे? ताजमहल जाएगा ना वीडियो है? ताजमहल ठीक है, धन्यवाद भाई। और ये देखो यमुना नदी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, आपको यमुना नदी दिख रहा होगा, दिल्ली से साफ है। जो भी भाई आगरा से देख रहे हैं बताना यार ये कौन सा जगह है। कंजेस्टेड सिटी है अभी तक, तो मैंने जहां तक मुझे देखने को लगा कि कंजेस्टेड है काफ़ी रोड्स, जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट है वैसे ये आगरा का रेड फोर्ट है, वैसे ही बना हुआ है। सो पार्किंग ये मिल गया है यहाँ, और पार्किंग का जो है 4-व्हीलर का 100 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है। हाँ तो भाई एक लफड़ा ये हो गया कि बोल रहे डिजिटल कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड है, किसी टाइप का ट्राईपॉड अलाउड नहीं है। तो मैंने रख दिया यार वो सब, गोप्रो ले लिया और वॉलेट,
क्योंकि यार आइडेंटिटी के लिए कुछ देना होगा। देखो ये सब चीज़ें हैं जो आप ले जा सकते हैं, कैमरा, पानी बॉटल, पर्स, और जो जो नहीं ले जा सकते उसमें क्रॉस किया हुआ है। ये कैफेटेरिया है, ये बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी जो आपको लेके जाएंगे ताजमहल तक अगर आप जाना चाहो। अगर पैदल जा सकते हो तो बढ़िया है, और नहीं जा सकते तो चल जाओ। इसमें सारा कैफेटेरिया एरिया है, पार्किंग के साथ में। ताजमहल भाई थोड़ा लाइट वाला 100 रुपये का चल लूँ, ताजमहल लाइट वाला ये करूँगा भाई, ताजमहल लेके लाइट वाला। देख लो मीना बाजार कितना बड़ा लाइट वाला। अरे ये रहा, अच्छा ये रहा, सॉरी ये लो एक से एक रेबेन के कॉफी चश्मा। टाइम से देखना और भी देख सकता ना, इस टाइप का देख लिया। क्या प्राइस का भैया ये सब? 120 रुपये। तो लो 120 रुपये में सनफ्लावर चश्मा। और ये ताजमहल वैसे घर में मना करते रखने को, टॉयज की दुकान मतलब ठीक ठाक सा बजा रहे हैं, खाने पीने का लेकर हर कुछ, आगरे का पेठा ये वो सब मिल जाएगा इधर आपको। चलिए चलते हैं अब ताजमहल की तरफ। मार्केट आपने देख लिया, अब हम चल रहे हैं ताजमहल की ओर। ये देखो सामने रास्ता, मैं तो बोलूँगा विंटर में ही आओ इधर, क्योंकि आगरा में बहुत गर्मी होता है। विंटर में आओगे तो थोड़ा अच्छा मौसम रहेगा, तो घूमने में भी अच्छा लगेगा, जैसे अभी लग रहा प्रेजेंट मौसम है। और अपना पानी का बॉटल ये सब कैरी कर लेना, पीते रहोगे तो डिहाइड्रेट नहीं होगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, SDFC का ATM भी है, अगर कैश वैश निकालना हो तो ये बढ़िया है कि अंदर है। बहुजन ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता, रोड होता होगा। यहाँ देखो सारे चाइनीज़ बैठे हैं मास्क लगा के, खुद कोरोना फैला के और खुद ही मास्क लगा के बैठे हैं। ये टिकट के लिए कि एंट्री के लिए? ये एंट्री के लिए। अच्छा सॉरी, ये एंट्री के लिए है। और ये है और आपका कैमरा टिकट काउंटर। भाई थोड़ा भीड़ है आज, इसलिए हमने गाइड कर लिया, और ये हमसे 400 रुपये माना। ये हमें लेके बताएंगे, क्योंकि आपको सोचा मैंने अच्छे से बता दूँ यहाँ के बारे में। थोड़ा सा एंट्री में आपको ऑनलाइन आप कर सकते हैं, और पेमेंट आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, 45 रुपीज़ पर हेड। और आपका कुछ ऑफिशियल गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप निकल रहे हैं तो कैरी कर ले आईडी अपने साथ। और भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर शाहरुख। शाहरुख खान जी हमारे साथ में हैं, बिल्कुल। और शाहरुख खान जी हमें घुमाएंगे बढ़िया से। तो काफ़ी आज भीड़ है, फॉरनर भी तो लोग का भी तादाद का भी दिख रहे हैं। भाई बताएगा आगे का। हाँ, और बाकी का भाई बताएंगे। अब जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इसको बोला जाता है ताजमहल का 4 कोर्टयार्ड। इधर में 4 गेट 4 गार्डन्स हैं। अच्छा, जिस गेट से हम लोगों ने एंट्री की है इसको बोला जाता है ताजमहल का वेस्ट गेट। सामने जो गेट देख रहे हैं आप लोग उसको बोलते हैं ईस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ गेट। 4 कोर्टयार्ड में आने के लिए 3 गेटों से एंट्री की जाती है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। जो मेन एंट्री गेट है इसको बोला जाता है रॉयल गेट, शाही दरवाज़ा। ऊपर छोटे छोटे टूम्स रखे हैं, काउंट करिए कितना है, 11 फ्रंट साइड पर है, 11 बैक साइड में, टोटल 22 है। पहले के टाइम में कोई भी कैलेंडर्स वगैरह नहीं हुआ करता था, साल में 365 दिन को काउंट करके एक टूम्स को बना के रख दिया करते थे, जिससे कि याद रहे कितने साल में बिल्डिंग बनकर कंप्लीट हुआ है। 22 ईयर्स पूरी बिल्डिंग को बनाने में लगे थे, 22 साल। गेट का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट है, अबाउट 35 मीटर के अंदर बना रखा है। पहले के टाइम में ईस्टर्न गेट का यूज़ किया जाता था, मुगल्सों के लिए जितने भी राजा महाराजा लोग VIP वगैरह आया करते थे सब लोग उधर से एंट्री किया करते थे, ईस्ट गेट से। वेस्ट गेट का यूज़ किया जाता था जनरल पीपल्स के लिए, साउथ गेट का यूज़ किया जाता था लेबर के लिए। तो इसको बोला जाता है लेबर कॉलोनी यार्ड, ये वाला जो साउथ गेट जो बताया ना आपको, हाँ, इसको बोला जाता है लेबर कॉलोनी गेट। ये जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, पहले के टाइम में होम स्टे, होटल, गेस्ट हाउस वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो शाहजहाँ के कोई भी गेस्ट लोग आया करते थे उन लोगों को यहाँ पे स्टे कराया जाता था। इसका गेट का नाम क्या बताया था भैया?
रॉयल गेट जिसमें 11 टॉम छोटे छोटे हैं, आगे फ्रंट साइड और बैक साइड भी 11 है। अच्छा, यहाँ से जितना पास जाएंगे ऐसा लग रहा है कि ताजमहल सामने जैसे व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, बट भैया कह रहे हैं कि इल्यूजन है, ऐसा लगता है छलावा, कि आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना वैसे ताजमहल दूर होते जाएगा। शाहजहां की जो तीन वाइफें थी, फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ संदी बेगम, थर्ड वाइफ मुमताज। हाँ भाई, इस टाइम यही सब तो पढ़े हैं। फर्स्ट वाइफ का जो टूम है वो ईस्टर्न गेट के बाहर है, सेकंड वाइफ का वेस्टर्न गेट के बाहर है, फतेहपुरी बेगम का, संदी बेगम का ईस्टर्न गेट के बाहर, थर्ड वाइफ का जो टूम है वो ताजमहल के अंदर ही है। सो चलिए अब आगे की और जा रहे हैं, गाइड भैया हमें लेके जा रहे हैं, शाहरुख खान जी हमें, देखते हैं और क्या क्या बताते हैं इस जगह के बारे में। जो बिल्डिंग है पूरा बिल्डिंग सिमेट्रिकली है और सिमेट्रिकल बिल्डिंग ही बोला जाता है, सिमेट्रिकली ही बनाया गया है। जैसा आपने गेट फ्रंट साइड से देखा है, सेम वही बैक साइड से, वही लेफ्ट हैंड साइड, वही राइट साइड, फोर साइड सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बिल्डिंग ही बनाया गया है। ये जो फ्रंट साइड वाले जो पिलर हैं, ये आपको लग रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट है, बट बाहर की तरफ 2.5 डिग्री टिल्टेड हैं। जो बैक साइड वाले हैं वो यमुना रिवर की तरफ हैं, ये इस वजह से ऐसे रखे गए थे, कोई भी भूकंप वगैरह आता है, तूफान वगैरह आता है तो मेन बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, आउटसाइड में गिरे। 1631 में ताजमहल में काम चालू हुआ था तो यहाँ पर 16 गार्डन बनाए गए थे, 8 गार्डन इस साइड पर, 8 उस साइड पर। 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ था तो 53 फाउंटेन बनाए गए थे। ये जो फाउंटेन से टोटल 53 फाउंटेन बनाए गए थे। शाहजहाँ सबसे ज़्यादा जो प्यार किया करते थे वो मुमताज़ से किया करते थे, ना फतेहपुरी बेगम से ना संदली बेगम से, मुमताज़ से जो थे 14 बच्चे थे जिसमें के 4 लड़के 2 लड़कियाँ। लड़कों के नाम थे दारा सिको, मुराद, सुजा, औरंगजेब। लड़कियों के नाम थे जहाँ नारा, रोशन नारा। मुमताज़ की जो डेथ हुई थी 1630 के अंदर हुई थी, 1630 के अंदर डेथ होने के बाद में 6 मंथ के लिए यहाँ पर साइट में उनका टूम्स बनाया गया था। जो शाहजहाँ और मुमताज का रियल टूम्स है वो नीचे 30 फीट डाउन है। ओरिजिनल टूम्स जो है वो ओपन किया जाता है डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे। ये जो देख रहे हैं ब्लैक राइटिंग आप लोग, ये सब हैंड वर्क है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में इल्ले वर्क। शाहजहाँ के कोई भी गेस्ट लोग आया करते थे यहाँ पे, उन लोगों का स्वागत किया जाता था, संगीत वगैरह ड्रम्स वगैरह बजाए जाते, तो इसको बोलते हैं म्यूजिक गैलरी। सो मेरे पीछे था ये क्या बोलते ताज म्यूजियम था, नौबत खाना कुछ ऐसा लिखा हुआ था, यहाँ एंट्री फ्री है बट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अंदर मना कर रहे थे। सो चलते आगे और दिखाते हैं यहाँ और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, वैसे ताजमहल और सामने से देखेंगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ, आप ताजमहल अगर जाना चाहते हैं तो 200 रुपये आपको यहाँ एंट्री के लिए देना पड़ेगा, अंदर देखने के लिए। अंदर कुछ ऐसा है नहीं, कब्र था इसलिए मैं गया नहीं देखने, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो जाके देख सकते हो। और अब हम जा रहे हैं यमुना नदी देखने, जैसे इसके पीछे यमुना नदी का भाव है, जिससे अभी हम ऊपर से आए थे जिस ब्रिज से, दिखाते हम आपको यमुना नदी का रूप, ये देखो। तो दिस इज यमुना रिवर, काला पानी पर हमेशा की तरह गंदा ही है, पॉल्यूटेड वाटर। और ये ताजमहल, चलिए एंजॉय कीजिए कुछ सिनेमेटोग्राफी सीन्स।
सो व्यूअर्स, दिस वॉज ताजमहल ब्लॉग एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियो. अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए. और मैंने जितना बता पाया मैं आपको बता दिया गाइड के थ्रू और अपने मुझे जितना नॉलेज था. सो मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अपने नए वीडियो में. टिल देन सबको बाय बाय एंड सी यू अगेन. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se oscila.